प्रतीक सहजपाल और रोहित शेट्टी के बीच अनबन की खबरों पर प्रतीक सहजपाल ने किया रिएक्ट। मीडिया पर भड़के प्रतीक सहजपाल, जी हां, क्या ये पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वहीं कुछ समय पहले खबरें आई थी कि प्रतीक सहजपाल और रोहित शेट्टी में एक टास्क के दौरान हो गई है अनबन। जी हां, दरअसल खबर ये थी कि टास्क के दौरान प्रतीक सहजपाल ने नहीं मानी रोहित शेट्टी की बात। जी हाँ, जहाँ रोहित शेट्टी आए हैं प्रतीक सहजपाल पर भड़कते नजर। लेकिन अब इस र्यूमर को प्रतीक सहजपाल ने कर दिया है खारिज। प्रतीक ने कहा है कि उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं किया था और ये खबर बिल्कुल गलत है। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए इस बात की पुष्टि की है, जहाँ प्रतीक लिखते हैं, आप प्लीज वो एपिसोड अच्छे से देखिए, मैंने एक भी बार रोहित सर के साथ गलत तरीके से बात नहीं की है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। जब मैंने बोला कि कुछ नहीं होगा मुझे समथिंग समथिंग, आई वॉज टॉकिंग टू समवन एल्स एंड इट लुक सो रॉन्ग इवन टू मी एज इट लुक लाइक आई स्पोक इन अ रॉन्ग टोन विद रोहित सर विच आई कैन नेवर डू इन माई लाइफ। I remember someone else also told me to leave that rope too and I was talking to that someone in the episode. It has been put like I'm talking wrong with Rohit sir. I can never even think of that. In fact, I can never said those lines to Rohit sir. वो बात मैंने किसी और को बोली थी। जी हाँ, यहाँ ट्वीट करते हुए प्रतीक सहजपाल ने लिखा, I would be the last person who would disrespect anyone. Can't even think about it. बोला, आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।